हनुमान ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, और इस शब्द को शब्द समझना किसी बेवकूफी से कम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, पूरी ताकत का एक स्रोत है। और यही ताकत महसूस कराने के लिए साउथ के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने अपनी मच अवेटेड मूवी उतार दी है थिएटरों में, जिसका नाम है हनुमान, जिसके रिएक्शन कुछ इस प्रकार रहे। जय श्री राम। मूवी बहुत अच्छी है और हमारे सनातन धर्म के लिए को बताने वाली है कि हमारे सनातन में क्या रहा है अभी तक। इतनी बढ़िया पिक्चर हुई, ऐसी पिक्चर आज तक नहीं बनी भाई। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, कुछ नहीं सिर्फ हनुमान। अब आना 2025 में जय हनुमान देखने। जय श्री राम सबसे बड़ी पिक्चर है, बता भाई कैसी लगी। भैया बड़ी पिक्चर है, सबको आना चाहिए देखने के लिए। इसको पूरी फैमिली के साथ आओ, बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया, ऑसम। जय श्री राम। रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन जोश से भरे हुए थे, और भरे हुए भी क्यों ना हो, क्योंकि हनुमान इंडियन कल्चर या फिर कहीं भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इन सब बातों को अगर एक तरफ रखकर मूवी की टेक्निकलिटीज पर बात करें तो प्रशांत वर्मा ने कहीं ना कहीं ये प्रूफ कर दिया है कि 25 करोड़ का बजट और एक अच्छा नज़रिया काफ़ी होता है लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए और अपनी मूवी को हिट बनाने के लिए, बजाय 700 करोड़ के बजट के और एक खराब नज़रिए के। मूवी के VFX के बारे में बात करें तो मूवी का VFX उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है, लेकिन मूवी की स्टोरी लाइन और मूवी का स्क्रीन प्ले कुछ इस तरह से लिखा गया है कि वो VFX की खामियां लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मूवी को बॉक्स ऑफिस पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं, वहीं IMDb पर इसकी ऑलरेडी 9 की रेटिंग चल रही है। वहीं बात करें अगर मूवी की स्टोरी लाइन की तो वो थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल है, ऑलरेडी आपको पता होता है कि अगले सीन में क्या होने वाला है। कई लोगों को मूवी में लव स्टोरी वाला एंगल बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका ये मानना है कि ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली मूवीज़ में लव स्टोरी का कोई काम नहीं है। लेकिन एक मूवी रिव्यूअर के तौर पर मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मूवी की स्टोरी लाइन है वो कैरेक्टर हनुमंतु के अराउंड घूमती है, जो कि बाय नेचर शक्ति मिलने से पहले भी इंसान था और शक्तियाँ मिलने के बाद भी इंसान है, और हर एक इंसान को प्यार करने का हक है। हम इस मूवी को देंगे 5 out of 4 stars। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। धन्यवाद।